गाइज वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत करते हैं आप सभी का अड्डा 24x7 पर। एक बार फिर मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी के साथ में हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ अड्डा 24x7 के SSC अड्डा प्लेटफॉर्म पर। और करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, 6 अक्टूबर के करंट अफेयर पर बात करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे उन्हीं पर वर्कआउट करेंगे। सीधी बात, नो बकवास के फार्मूले पर हम लोग काम करेंगे। जल्दी से एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि आपके कमेंट्स क्या क्या आने शुरू हो गए, एक बार फटाफट जल्दी से देखते हैं और फिर उसके बाद सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सबको एक काम करना है भाई, जल्दी से जल्दी सबको सेशन शेयर करना है और लाइक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो और सेशन को लाइक करना शुरू करो, फिर फटाफट सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो भाई, तो आज के सेशन में देखो हम लोग क्या क्या करेंगे ये आपको हम बता देते हैं। कई इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लेकर के आया हूँ जो आपसे सेशन में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले सेशन को मैं भी शेयर करता हूँ और आप लोग भी शेयर कर दीजिए जल्दी से फटाफट, ठीक है भाई। ओके देखिए भाई कौन कौन से को जुड़ गया है साथ में, लाइक करना शुरू करो फिर फटाफट सेशन स्टार्ट करो, ठीक है भाई। तो सेशन में देखो हम लोग क्या क्या करेंगे ये आपको हम बता देते हैं, कई इंपॉर्टेंट चीजें तो भाई मैंने सेशन शेयर कर दिया, आप लोग भी जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। और विवेक, राजा, चंद्रा, अंजलि, शालू, रेणु, वर्षा, पंकज, दिनू, राजन, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अड्डा 24x7 के प्लेटफॉर्म पर। तो चलो जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेकर के आपके लिए आया हूं जल्दी से बताते हैं भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज के सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है एक बार बात कर लेते हैं। देखो बहुत जबरदस्त चीजें आज के सेशन में, देखो पहली चीज जो हमारा ये सेशन है जिसपे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, क्या क्या कराने जा रहा हूँ ये बता रहा हूँ। कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने निकाल दिया, लास्ट तक जुड़े रहना, सेशन आखिरी तक देखना, तभी मजा आएगा मेरे भाई, तभी चीजें कवर अप होंगी। देखो ये जो सेशन है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही हैं जो होती हैं उनके लिए है। और आज के सेशन में हम क्या करेंगे वो आपको एक बार बता दे रहे, बेसिक थीम में उठा रहा हूं, एक ऐसा देश जो आजाद नहीं होना चाहता है, आज भी गुलाम है लेकिन वो आजाद नहीं होना चाहता है, उस देश के अंडर में ही रहना चाहता है, ठीक है। एक ऐसा विषाणु जो पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देता है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। चार धाम यात्रा योजना में क्या विवाद चल रहा है, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है, वहां पर क्या प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। चीन ने जबरदस्त तरीके से दुनिया को घेरने की कोशिश कर रखी है, तो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और एक ऐसी ऑनलाइन वाणिज्यिक कंपनी जिसने अपना खुद का मिनी ऐप लॉन्च कर लिया है उसके बारे में बात करेंगे। और एक देश जिसने गांधी जी की कांस्य प्रतिमा अपने देश की राजधानी में लगवा दी है। भाई जल्दी से वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, जल्दी से सेशन शेयर करना शुरू कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो लास्ट में एक ऐसा देश जिसने गांधी जी की कांस्य प्रतिमा अपने देश की राजधानी में लगवाई है और हमारे जो वहां के एम्बेसडर थे वो भी मौजूद रहे थे उस मौके पर, तो इस तरीके की पूरी दुनिया में जो एक बेहतरीन खबरों का जाल बिछता है एक दिन के अंदर, उसके साथ मैं आपके साथ जुड़ गया हूं। फटाफट सभी लोगों को जोड़ना शुरू करो, सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस एक चीज याद रखना कि सेशन को लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को इसका बेसिक थीम पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे। कैलाश, सुनील, जयंत, शुभम, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कृष्णा, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट क्या हमारा, एक बार जल्दी से देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मोस्ट पॉजिटिव मैन, मतलब जबरदस्त इंसान थे। तो एक शिक्षक थे, टीचर थे, पढ़ाते रहे इस दुनिया में और पढ़ाते हुए इस दुनिया से चले गए, जबरदस्त इंसान। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनको देख के ही मोटिवेशन आता है, इनकी एक बात बस मुझे ध्यान में आ गई, वो कोट मैं आपके लिए ले आया। इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। देखिए कितनी जबरदस्त बात कही, मतलब एक शानदार जो बात इन्होंने यहां रखी है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर शाइन करना चाहते हो सन की तरह शाइन करना चाहते हो, तो आपको बर्न होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? बर्न होना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। जब जलेंगे तभी चमकेंगे, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी, जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप सभी लोग मेहनत करना शुरू कर देंगे, वर्कआउट करना शुरू कर देंगे, आप सन की तरह चमकना शुरू हो जाएंगे। और कोई भी जो सिलेक्शन लेता, चाहे बैंक, रेलवे, SSC, UPSC, स्टेट PSC, कोई भी बच्चा जब सिलेक्शन लेता है तो उसके पीछे उसकी दिन रात की मेहनत जुड़ी होती है, उसकी दिन रात की तपस्या जुड़ी होती है, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन होता है। तो गाइज जल्दी से इतने सारे लोग जुड़े हो, सेशन को सबसे पहले लाइक कर दो और शेयर करना शुरू कर दो, ठीक है। फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं सेशन को, क्या क्या हम करेंगे, जल्दी से सीधे क्वेश्चंस पर आएंगे, कोई भी फर्जी की बकवास नहीं।
सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। ठीक है मेरे भाई, तो चलो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर आज का। अच्छा हाँ, आपसे 6 महीने के करंट अफेयर की बात हुई थी भाई मेरी, तो ये सेशन कल से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, शाम को 5 PM पे चलेगा। ठीक है, कितने बजे चलेगा? 5 PM पर चलेगा। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, पिछले 6 महीने का धुआंधार करंट अफेयर मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। परीक्षा में प्रश्न यही से आएंगे, आपसे जो वादा किया है वो वादा जरूर पूरा करेंगे। प्रतीक्षा वेरी गुड मॉर्निंग। तो भाई ये सेशन कल से शाम को 5 बजे आप सभी लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो एसएससी अड्डा पे शाम को 5 बजे ये सेशन मैं आप लोगों के साथ करूंगा। और एक राय आप लोगों से और लेना चाहते हैं, ये जो करंट अफेयर का सेशन मेरा 8 बजे चलता है, इसको 8 एम पर कंटिन्यू करें कि 6 एम पर कंटिन्यू करें, ये आप बता दो जल्दी से। 8 एम पर इस सेशन को कंटिन्यू किया जाए कि 6 एम पर कंटिन्यू किया जाए, तो जल्दी जल्दी बता दो। शुभम ने थैंक यू बोला, तो शुभम भाई आप लोगों से मेरा वादा था, इसलिए पिछले 6 महीने का करंट अफेयर मैं लेकर आया हूं और करीब 10,000 क्वेश्चन करा दूंगा, क्लास में ही रटवाऊंगा, घर पे रटने की जरूरत नहीं, बस एग्जाम टाइम में PDF का एक बार रिवीजन करके चले जाना, मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आपको यहीं से मिल जाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितने ईयर तक का नहीं पूछना है, बस 6 महीने का तैयार कर लीजिए, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं 6 महीने का करंट अफेयर तैयार कर लीजिए, आपके लिए इनफ है। साल 2 साल इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ 6 महीने का करंट अफेयर तैयार करिए और इंजॉय करिए। 6 मंथ का करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम आएंगे, अगर 1-2 क्वेश्चन साल भर पुराने से आएंगे तो 1-2 क्वेश्चन के लिए पूरे साल का पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 महीने का आप तैयार कीजिए। हाँ, सिर्फ एक एग्जाम जो होता है UPSC की अगर हम बात करें, संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, तो इसमें 1 ईयर का करंट अफेयर कम से कम पता होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर का आपको पता होना चाहिए, कायदे से तो 2 साल का पता होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 1 साल का करंट अफेयर आपको आना चाहिए। सुमन वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आशुतोष, हम लोग आप सबके साथ जुड़े हैं, बस सेशन के लिए कंफर्म कर दीजिए कि 8 बजे करना है कि 6 बजे करना है, और अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपको 6 मंथ का करंट अफेयर कल से शाम को 5 बजे मिलेगा, तो कल से शाम को 5 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा एसएससी अड्डा चैनल पर। भाई इतने सारे लोग जुड़े हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी जोड़ दो, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से चीजें बनती हैं। ठीक है, तो फटाफट ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो और सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आने जा रहा है आज का, तो ध्यान रखिएगा कि 6 महीने का करंट अफेयर कल से शाम को 5 बजे मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, और सेशन के लिए बता दो भाई 6 बजे रखना है कि 8 बजे लिखना है। तो ज्यादातर लोग 8 बजे कह रहे हैं। ठीक है, प्राची, अजीत, आशुतोष, चंद्रा, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, ओके, तो चलो आ जाओ पहले क्वेश्चन पे आज के आ जाते हैं, जबरदस्त तरीके से करते हैं सेशन को। देखो तुम सब लोग रोज साथ में जुड़ते हो, चाहे राजा हो, शालू हो, प्राची हो, सब लोग सुबह सुबह जुड़ जाते हो, तो आपका फर्ज है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन शेयर करो, मैक्सिमम लोगों को जोड़ो, जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो जाए। और इस सेशन में आपको सिंपल सा पता है, मैं सीधे क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके एग्जाम से रिलेटेड, और उनको मैं आपको MCQ की फॉर्म में लाता हूँ। MCQ की फॉर्म में लाने का सिर्फ एक तर्क है कि MCQ की फॉर्म में ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, तो उसी फॉर्म में मैं लेकर आता हूँ जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। ठीक है ना मेरे भाई, तो चलो आ जाते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से दिमाग लगाना और इसके बारे में आंसर देना। ठीक है, अभी हाल ही में ब्रुसेलोसिस चर्चा में रहा, यह निम्नलिखित में से क्या है, इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। ब्रुसेलोसिस हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली और विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किस लिए चर्चा में रहा, ब्रुसेलोसिस क्या है। दिस इज अ न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, दिस इज अ काइंड ऑफ वायरस, दिस इज अ काइंड ऑफ न्यू ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड बाई EEL, दिस इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, बताओ भाई ये क्या है। सिमरन वेरी गुड मॉर्निंग, दिव्या गुड मॉर्निंग। ठीक है, 8 एम पर ही कंटिन्यू करिए, मैक्सिमम बच्चे ये कह रहे हैं कि 8 एम पर ही कंटिन्यू करिए, तो भैया ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को आपको जोड़ना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है भाई, चलो जल्दी से बता दो ब्रुसेलोसिस क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, ये वायरस है, ये काइंड ऑफ न्यू हैंड ग्रेनेड है, या दिस इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ये एक तरह का बैक्टीरिया है, क्या है भाई जल्दी से बताओ ब्रुसेलोसिस क्या है। चलो मैं बता देता हूं कि बेसिकली ये जो है एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया है, ये वायरस नहीं है भाई, वायरस आंसर मत देना मेरे भाई, ये वायरस नहीं है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है, क्या है ये, एक तरह का बैक्टीरिया, दिस इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ब्रुसेलोसिस जो है वो एक तरह का बैक्टीरिया है और बहुत चर्चा में इस समय है, क्योंकि ये जो फैलता है वो मवेशियों से फैलता है, मवेशियों का मतलब गाय और भैंसों से है, मवेशियों से फैलता है, और इसके साथ साथ बकरी, पिग,
इन सबसे ये फैलता है, इन सबसे ये फैलता है। और सबसे जो मेजर पॉइंट WHO ने बताया, WHO ने एक मेजर पॉइंट बताया यहां पे मेरे भाई, WHO ने कहा है कि ये जो वायरस, ये जो बैक्टीरिया है, ये सबसे ज्यादा फैलता है मिल्क से और पनीर से, मिल्क और पनीर से ये सबसे ज्यादा फैलता है। यानी कि कोई अगर संक्रमित मवेशी है तो उसका अगर कोई कोई भी व्यक्ति उसका दूध पीता है या पनीर खाता है तो उससे ये बैक्टीरिया जो है बहुत तेजी से फैलता है, बैक्टीरिया बहुत तेजी के साथ फैलता है। अपर्णा वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये बैक्टीरिया बहुत तेजी के साथ फैलता है, तो इसलिए WHO ने बताया है कि बेसिकली ये जो फैलता है वो किसकी वजह से फैलता है, मवेशियों की वजह से, भेड़ बकरियों की वजह से, पिग की वजह से, इनकी वजह से फैलता है। और ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत रेयर केस में फैलता है। क्या होता है, बहुत रेयर केस में फैलता है। इसमें भी क्या होता है, बहुत तेजी के साथ बुखार आता है, ब्लड निकलता है, तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ से क्या होती है, इनिशिएट हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये एक बड़ा इशू रहता है जिसकी वजह से ब्रुसेलोसिस वायरस इस समय जो है वो चर्चा में रहा है। WHO ने चूंकि अभी बता दिया है कि ये इसका फैलने का मुख्य कारण मिल्क है और पनीर है जिसकी वजह से ये फैलता है, तो ये जो एक कंडीशंस आई है जिसकी वजह से ये इस समय चर्चा में रहा है। तो ब्रुसेलोसिस ध्यान रखिएगा, ये एक बैक्टीरिया, आपके एग्जाम में सिंपल सा पूछा जाएगा कि ब्रुसेलोसिस बैक्टीरिया है या वायरस है, तो ध्यान रखिएगा ये जीवाणु है, विषाणु नहीं है, बैक्टीरिया है। क्लियर एवरीवन, ये एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया है। ओके चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। अफ्रीकी स्वाइन बुखार के कारण अभी हाल ही में भारत में किस राज्य में हजारों सुअर मारे गए हैं, यानी रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया थाउजेंड ऑफ पिग्स हैव बीन किल्ड ड्यू टू द अफ्रीकी स्वाइन फीवर। अफ्रीकी स्वाइन फीवर जिसको कि ASF कहते हैं, क्या कहते हैं, ASF शॉर्ट में कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जब मिलेंगे तो ASF लिखा वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो अफ्रीकी जो स्वाइन, अपर्णा वेरी गुड मॉर्निंग, तो ये जो अफ्रीकी स्वाइन फीवर है, ठीक है, तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर भारत के किस राज्य में हजारों पिग्स मारे गए हैं, असम या अरुणाचल प्रदेश में, असम या नागालैंड में, असम या मेघालय में, असम या त्रिपुरा में, कहां पर ये मारे गए हैं, जल्दी जल्दी बताना शुरू कीजिए। ठीक है, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, असम एंड नागालैंड, असम एंड मेघालय, असम एंड त्रिपुरा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो आंसर है ए है, बिल्कुल सही है, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। जिसने जिसने ए आंसर दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। मेन सिंह बोल रहे हैं, जय हिंद सर, जय हिंद वेरी भाई। ठीक है स्मिता, इसका आंसर आपका बी नहीं है, सी नहीं है, इसका आंसर ए हो जाएगा, असम एंड आंध्र प्रदेश है, सॉरी असम एंड अरुणाचल प्रदेश है, असम एंड अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज बता दें, सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो मैंने आपको बताए हैं। तो अब आपको एक चीज और बता देते हैं कि एक चीज ध्यान रखिए, अगर स्वाइन फ्लू बुखार किसी पिग में हो जाता है तो 100% उसकी डेथ होगी, ये आप समझ लीजिए 100% क्या होगा, उसकी डेथ होगी। और बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड लेवल पे ये कई जगह पर फैला, अमेरिका में भी फैल चुका है, ऑस्ट्रेलिया में भी फैल चुका है। और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जो पिग्स है उनका जो डिब्बा बंद मांस होता है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, अर्जेंटीना हो गया, ये सारे जो होते हैं डिब्बा बंद मांस जो है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, और ये जो पिग है अगर इनमें ये बीमारी हो जाती है तो 100% इनकी डेथ होती है। फीवर इनमें बहुत तेज आता है, और जितने ये पिक्स होते हैं उनके मुंह से ब्लड वगैरह, मुंह और आईज, इन सबसे ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इनके बचने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। ठीक है भाई, भैया इतने सारे लोग जुड़े हो, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर दो। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप आज हो रहे हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, गरिमा वेरी गुड मॉर्निंग, सब लोग टाइम से सुबह 8 बजे जुड़ जाया करो। ठीक है मेरे भाई, तो चलो, तो क्लियर हो गया, असम और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू बुखार के कारण हजारों पिक्स जो है वो मारे गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिफरेंस टू द रिसेंटली डिस्कस्ड इनविट। इनविट क्या है ये आपको बताना है। अभी हाल ही में चर्चा में रहे इनविट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दिस इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, दिस इज अ काइंड ऑफ शेयर, दिस इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, नॉट आइदर, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताना है। ठीक है, अभी हाल ही में चर्चा में रहे इनविट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। इनविट की फुल फॉर्म पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इनविट होता क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यह फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि
कि इनविट की, देखो आईओटी बड़ा हुआ, ये इनविट इस तरह से लिखा जाता है, तो इनविट में ध्यान रखने का। शैलेंद्र वेरी गुड मॉर्निंग भाई, सब लोग टाइम से जुड़ जाए करो 8 बजे, ठीक है, जल्दी से बताओ इनविट की फुल फॉर्म क्या है। इनविट की फुल फॉर्म आपके सामने मैंने लिख दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। बेटा कहीं नोट करते चलना अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो। देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि एक एटलस आपके पास होनी चाहिए, बहुत आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, एक एटलस आपके पास होनी चाहिए। एटलस यानी कि जहां पर वर्ल्ड का मैप हो, वर्ल्ड का मैप हो, इंडिया का मैप हो, मैप पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर मैप पे अच्छी पकड़ हो गई तो एग्जाम के 30% क्वेश्चन आप वैसे ही कर लेंगे, तो मैप पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग बिजेंद्र, गगन गुड मॉर्निंग, सब लोग बेटा 8 बजे जुड़ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है, जिसको कि इनविट कहते हैं, ये क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड है, ये एक तरह का शेयर है, ये एक तरह का गवर्नमेंट बॉन्ड है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने ए आंसर दिया है मेरे भाई, 100% आंसर ए इसका सही है। क्या, कौन सा आंसर सही है? ए आंसर 100% सही है, ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है। क्या है मेरे भाई? एक तरह का म्यूचुअल फंड है। और म्यूचुअल फंड क्या होता है मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, तो बहुत सारे लोग, जैसे मार्केट में 50-60 तरह के लोग बैठे हुए हैं, वो इसको पैसा देते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करती है, इसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड करके बांटना शुरू कर देती है इन्हीं को। तो म्यूचुअल यानी कई लोग म्यूचुअल तरीके से किसी को पैसा देते हैं, यानी फंड देते हैं, यही म्यूचुअल फंड कहलाता है। दो तरीके के होते हैं म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ध्यान रखना दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होता है। ओपन एंडेड कभी भी खरीदिए, कभी भी बेच दीजिए, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड वो होते हैं, आप कभी भी खरीद लीजिए, लेकिन बेचेंगे लिखी हुई डेट के बाद ही, जो उसमें डेट लिखी जाती है उसके बाद ही बेच सकते हैं। तो दो तरह के म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलो जल्दी से आ जाते हैं। अब हमने बात की कि इनविट क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, और इसका ये जो है वो क्या है, एक तरह का म्यूचुअल फंड है। क्या है मेरे भाई? म्यूचुअल फंड है। और इसको सेबी जो है अप्रूव कर चुकी है। कौन अप्रूव कर चुका? सेबी। क्योंकि सेबी क्या, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट को यही रेगुलेट करता है। सेबी जो है वो किसको रेगुलेट करता है? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। सुमित रवि वेरी गुड मॉर्निंग, बेटा टाइम से सब लोग जुड़ जाएगा सुबह 8 बजे मेरे साथ, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड है। और आप ध्यान रखिएगा कि 10 इनविट का गठन किया जाएगा। कितने इनविट का गठन किया जा रहा है? 10 इनविट का गठन किया जा रहा है। जहां पर आप नोट करें वहां लिख लीजिएगा, 10 म्यूचुअल फंड कंपनीज यानी 10 इनविट का गठन किया जा रहा है, जिससे कि लोगों से पैसा लिया जाएगा। और इस पैसे को लगाया कहां जाएगा ये मैं आपको बता दूं, इस पैसे को लगाया जाएगा रोड में, लगाया जाएगा यानी रोड बनाने में यह पैसा लगाया जाएगा। ये आपका पैसा इलेक्ट्रिसिटी में लगाया जाएगा। कहां लगाया जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट में यह पैसा लगाया जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट में पैसा लगाया जाएगा। टेलीकॉम टावर में लगाया जाएगा। किसमें लगाया जाएगा? टेलीकॉम जो टावर होते हैं, टावर लगते हैं, उनमें यह पैसा लगाया जाएगा। तो एक अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि रोड में, देखो रोड अगर बात करें तो 700 मीटर की रोड बनने में 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है, यानी कि 1 किलोमीटर भी नहीं, 700 मीटर की रोड बनने में 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिससे कि वर्कआउट ये होता है, ठीक है भाई। इतने सारे लोग जुड़े हो, आप लोग जल्दी से जल्दी ज्यादा लोगों को सेशन शेयर कर लो, जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। और सेशन को छोटा सा बटन है लाइक जरूर करते चलना सभी लोग, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब आ जाओ, देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता देता हूं कि इन सारी चीजों को लगा करके आपका क्या होता है, ये बनता है। तो इसका मैक्सिमम पैसा रोड बनाने में खर्च किया जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन में खर्च किया जाएगा, और टेलीकॉम टावर्स को डेवलप करने में पैसा किया जाएगा। तो यहां पे 3 मेन पॉइंट आ गए। इनविट का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड हो गया। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है, सेबी इसको अप्रूव कर चुका है, और ये पैसा जो इन्वेस्ट किया जाएगा वो रोड, इलेक्ट्रिफिकेशन और टेलीकॉम टावर को डेवलप करने में किया जाएगा, ठीक है। वासुदेव रावत वेरी गुड मॉर्निंग, सब लोग जल्दी से जुड़ जाया करो, ठीक है। अब आ जाओ, देखो मजेदार चीज ये मैं आपको दिखाता हूं। उत्तराखंड में प्रस्तावित 4 धाम सड़क परियोजना अभी क्यों विवादों में है? Why is the proposed 4 धाम रोड प्लान इन उत्तराखंड साइट स्टिल इन डिस्प्यूट? क्यों डिस्प्यूट में चल रहा है ये आपको बताना है भाई, ठीक है। Why is the proposed 4 धाम रोड प्लान उत्तराखंड स्टिल इन डिस्प्यूट? उत्तराखंड में प्रस्तावित 4 धाम सड़क परियोजना क्यों जो है वो विवादों में है? द रीजन फॉर द डिस्प्यूट वॉज द प्रपोज्ड विद ऑफ द इनविसेज 2-लेन हाईवे, यानी कि जो विवाद का मुख्य कारण है वो उसकी चौड़ाई है। विवाद का मुख्य कारण क्या है? उसकी चौड़ाई है। 2-लेन जो हाईवे बन रहा है, पहली चीज ध्यान रखिए, 2-लेन का हाईवे बन रहा है, इसकी विवाद की मुख्य जो कारण है वो उसकी चौड़ाई है।
दिस इज नॉट अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इसको अप्रूव नहीं किया है। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एग्री फॉर दिस प्रोजेक्ट या नन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताओ भाई। 100% बेटा राजस्थान जी को मैंने बताया ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की, राजस्थान पुलिस की, उत्तराखंड पुलिस की, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम आप कवर अप कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट है। बस लगे रहो, साथ में जुड़े रहो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से बता दो कि ये जो उत्तराखंड प्रस्तावित चार धाम सड़क परियोजना है ये किस वजह से विवादों में आई है ये बता दो। इसकी चौड़ाई की वजह से ये विवादों में है, ठीक है। इसको एमएच मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अप्रूव नहीं किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव नहीं किया है, किस वजह से ये विवादों में है ये आपको बताना है, ठीक है। मीनाक्षी वेरी गुड मॉर्निंग भाई, सब लोग टाइम से जुड़ जाएगा सुबह सुबह, ठीक है। चलो तो देखो मैं आपको बता दूं कि ये किस वजह से विवादों में, ये इसकी चौड़ाई की वजह से विवादों में है। अभी न्यायालय ने इस पे एक अपना निर्णय दिया है कि इसकी जो चौड़ाई है उसकी वजह से विवादों में ये है। मैं आपको दिखाता हूँ ये है क्या परियोजना। देखो अगर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको ये परियोजना दिख रही होगी, ठीक है। देखो उत्तराखंड के चार धाम है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से बेसिक है। ये बद्रीनाथ है, ये केदारनाथ है, ये गंगोत्री है और यमुनोत्री है। इन्हें उत्तराखंड के चार धाम कहा जाता है, इन्हें नॉर्थ के चार धाम कहा जाता है। वैसे तो जो चार धाम हिंदुओं के पवित्र चार धाम जो बताए गए हैं वो आपके बताए गए हैं कौन कौन से, ये आपके बद्रीनाथ है जो मुख्य जो चार धाम हिंदुओं के, बद्रीनाथ है आपका, रामेश्वरम है आपका, पुरी है और आपका द्वारका है। ये चार धाम मुख्य है हिंदुओं के, लेकिन उत्तराखंड के या नॉर्थ के चार धाम की अगर बात करते हैं तो यमुनोत्री जहां से यमुना जी निकलती है, गंगोत्री जहां से गंगा जी निकलती है, और केदारनाथ और इसके साथ साथ बद्रीनाथ। तो इन चारों धामों को जोड़ने के लिए भाई एक क्या किया जा रहा है, एक रोड बनाई जा रही है पूरी। देखो दिल्ली से चलकर ये बन रही है, दिल्ली हो रही है, रुड़की हो रही है, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए, देवप्रयाग होते हुए, ये सारी रोड जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को ऐड करेंगी, ठीक है। ओके ठीक है। कुमार पंकज जी पूछ रहे हैं सर आप कहां से पढ़ा रहे हो, भाई अड्डा से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई पढ़ाई में मन लगा लो मेरे भाई, ठीक है। चलो देखो तो ये चार धामों को जोड़ने की एक परियोजना बनाई गई और इसके आगे फिर इसको जाकर के यहीं पर देखिए आपको अभी देखिए नेपाल ने अपना एक नया मैप बनाया था, ध्यान से सुनना बेटा सब सारी बातें। नेपाल ने अपना एक नया मैप बना दिया था जिसमें तीन एरिया लिंपिया धुरा वगैरह जो काला पानी तीन एरिया था, लिंपिया धुरा ये क्यों बता रहा हूं ये भी मैं आपको बताता हूं। लिंपिया धुरा काला पानी ठीक है, लिंपिया धुरा काला पानी और एक पास है मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में वो पास का नाम बता देना, ठीक है। तो ये जो लिंपिया धुरा और काला पानी नेपाल ने अपने मैप में बना दिया था, लेकिन उत्तराखंड में ये जो एरिया है ये अभी भारत के उत्तराखंड में ये है ये एरिया लिंपिया धुरा काला पानी, ये जो पूरा एरिया है इस एरिया को यहां से जोड़ते हुए ये कैलाश मानसरोवर तक जाएगा। कहां तक जाएगा, कैलाश मानसरोवर तक जाएगा, यानी कि ये जो रोड बन रही चारधाम यात्रा रोड जो बन रही है ये कैलाश मानसरोवर तक जाएगा, ठीक है, कैलाश मानसरोवर तक ये जाएगी। तो ध्यान रखिएगा अभी क्या हुआ, इसकी जो चौड़ाई है उसकी चौड़ाई जो रखी गई थी वो 5.5 मीटर रखी गई थी, कितनी रखी गई थी, 5.5 मीटर की चौड़ाई रखी गई थी और 889 किलोमीटर लंबा ये हाईवे बनेगा। कितने किलोमीटर का हाईवे बनेगा, 889 किलोमीटर का ये हाईवे बनेगा। तो चारों धाम की यात्रा करना बहुत आसान हो जाएगा, जिसमें अभी 10-10 दिन 15 दिन लग जाते हैं उस चार धाम की यात्रा करने में अब बहुत कम समय लगेगा। तो ध्यान रखिएगा 889 किलोमीटर की लंबी यात्रा है और 5.5 मीटर इसकी चौड़ाई होगी, रोड की जो चौड़ाई होगी 5.5 मीटर होगा। तो अभी जो न्यायालय है उसने गुस्सा दिखाया है कि भैया ये 5.5 मीटर जब तय कर चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ने 2018 में कहा था कि ये 5.5 मीटर चौड़ी होगी, तो इसको बढ़ाने की बात या घटाने की बात क्यों की जा रही है। तो उनको कहना है कि 5.5 मीटर की ही चौड़ाई इसकी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा ये इसी वजह से इस समय इशू में था क्योंकि इसकी चौड़ाई को लेकर के विवाद चल रहा था, ठीक है ना मेरे भाई। हाँ लिपुलेख प्लास, बिल्कुल सही आपने बताया है, लिपुलेख पास है, ठीक है। तो लिपुलेख, काला पानी और लिंपिया धुरा
ये नेपाल ने भी अपने मैप में दिखा दिया। ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेपाल ने भारत के ये तीन एरिया, हालांकि पुरानी जो संगोली की संधि है उसके हिसाब, उससे पहले के हिसाब से ये नेपाल में ही आता था, लेकिन ये तीन एरिया भी भारत के पास में, भारत के कब्जे में है। तो आपको मैं बता दूं कि यहां से जो पूरा एक एरिया जाता है वो कैलाश मानसरोवर तक जाता है। अभी कैलाश मानसरोवर जाना है तो उसके लिए सिक्किम जाना पड़ता है, सिक्किम से नाथुला पास से तिब्बत होते हुए पूरा कैलाश मानसरोवर जाना पड़ता है, लेकिन अभी इसके बनने से ये यात्रा बहुत कम हो गई, छोटी यात्रा हो जाएगी। तो चारों धाम को जोड़ते हुए कैलाश मानसरोवर तक ये यात्रा ले जाएगी। 889 किलोमीटर लंबा एक राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि 5.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। तो यही एक विवाद का कारण था जिसकी वजह से प्रॉब्लम थी। नाउ ऑल इज क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो देखो, चाइना ने ये देखो एक नया काम शुरू किया अपना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना किस देश को अपनी रणनीतियों के साथ जोड़ना चाहता है। विच कंट्री डज चाइना वांट टू इंटीग्रेट विद इट्स स्ट्रेटजिक अंडर द वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत किसे जोड़ना चाहता है, ठीक है। चलो, पाकिस्तान को जोड़ना चाहता है, नेपाल को जोड़ना चाहता है, भूटान को जोड़ना चाहता है कि बांग्लादेश को जोड़ना चाहता है, किसको जोड़ना चाहता है ये आपको बताना है, ठीक है। आप जब तक आंसर दें तब तक मैं कुछ चीज़ें आपको और बता देता हूँ, बहुत बहुत ही शानदार चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मद मिराज, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, 8 बजे सेशन शुरू होता है, टाइम से जुड़ जाया करो सभी लोग। तो आपको बता दें कि देखो, आपने सिल्क रूट सुना होगा, कौन सा रूट, सिल्क रूट, यानी कि इसको कहते हैं रेशम मार्ग। क्या कहते हैं भाई, रेशम मार्ग कहते हैं, इसको रेशम मार्ग कहते हैं। और इस मार्ग को बनाया था चाइना के हान वंश के शासकों ने, किसने, हान डायनेस्टी थी, हान डायनेस्टी के शासकों ने बनाया था। ये डायनेस्टी चली थी 206 बीसी से लेकर के 220 बीसी तक, ठीक है, 206 बीसी से लेकर के 220 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो हान डायनेस्टी का टाइम पीरियड है। और हान डायनेस्टी ने ही सबसे पहली बार सिल्क रूट बनाया था। सिल्क रूट क्या था, ये पूर्वी एशिया से होता हुआ यूरोप तक जाता है। कहां तक जाता है, यूरोप तक, बीच में इंडिया, पाकिस्तान और आपका उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्किस्तान होते हुए ये पूरा जो सिल्क रूट है वो जाता था आपका यूरोप तक जाता था। तो इस सिल्क रूट को डेवलप किया था हान डायनेस्टी के शासकों ने। तो अभी चाइना ने फिर से एक पॉलिसी बनाई है कि पूरी दुनिया को फिर से इस सिल्क रूट से, एक नया सिल्क रूट बनाया जाए, और सिल्क रूट से पूरी दुनिया, सिल्क रूट इसलिए कहते हैं कि इस रूट से सबसे ज्यादा रेशम का व्यापार होता था। किसका व्यापार होता था भाई, रेशम का व्यापार होता था, इसलिए सिल्क रूट की बात की जाती थी। तो अभी चाइना ने जो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये सिल्क रूट पे ही लॉन्च किया है। कहां पर लॉन्च किया है, सिल्क रूट पे लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में इसके तहत चाइना ने बांग्लादेश को जोड़ने के लिए कहा है। किसको जोड़ने के लिए कहा है मेरे भाई, बांग्लादेश को जोड़ने के लिए कहा गया। तो इसका आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, यानी बांग्लादेश तक ये रोड बनवा रहा है। क्या कर रहा है भाई, बांग्लादेश तक रोड बनवाएगा और ट्रेन चलवाएगा, ट्रेन भी चलवाएगा भाई। तो ये जो रूट डेवलप करना चाह रहा है, तो इसमें ये पूरे एशिया और इन सबको जोड़ना चाह रहा है। मैं एक बार आपको मैप दिखा देता हूं, देखो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट मैप है जिसके थ्रू ये सारा काम होगा, ठीक है। देखो जरा सा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो सेशन अच्छा कर रहा लग रहा हो तो एक बार लाइक जरूर करना, ठीक है, थम्स अप दिखा दो भाई कमेंट बॉक्स में एक बार, अगर सेशन में मजा आ रहा है तो, ठीक है। तो देखिए आपको बता दें कि ये जो रूट है, देखो चाइना से यहाँ पे शुरू हो गया, जियांग आ गई, बीजिंग आ गई, ये देखो पूरा एरिया जोड़ चुका है, वियतनाम जोड़ देंगे, हनोई जोड़ेंगे, और देखो ये नीचे सिंगापुर से लेकर जाकार्ता तक, और ये कोलंबो, इंडिया, ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी जुड़ चुका है, ग्वादर जो पाकिस्तान में है, जो सीपीईसी में आता है, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, ये भी ये जो आपका जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो ये हुआ है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, बीआरआई कहा जाता है। चाइना दुनिया के देशों से बात कर चुका है, दुनिया के 60% देश इसके लिए राजी हैं, एग्री हो गए हैं, दुनिया के 60%, कोई बात नहीं रॉन्ग हो गया तो, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया के जो 60% देश है, 60% देश हैं, वो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए राजी हो गए। अब चाइना क्या कह रहा है, इसको ट्रेन से जोड़ना चाह रहा है, रोड से जोड़ना चाह रहा है, और चाइना की पकड़ पूरी दुनिया तक हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, चाइना देखिए, टर्की वगैरह, एथेंस, इटली, जर्मनी, मॉस्को, नीदरलैंड, ये सारे के सारे कंट्री, और अफ्रीका तक ले गया, देखिए जिबूती, केन्या, ये सारे कंट्रीज को जोड़ करके नया सिल्क रूट डेवलपमेंट करना चाह रहा है। और यहां पर रोड एंड
रेलवे ये बनाना चाह रहा है, रोड एंड रेलवे बनाना चाह रहा है। क्या बनाना चाह रहा है मेरे भाई? रोड एंड रेलवे। तो इतने लोग अगर आप लोग सेशन को लाइक कर रहे हो तो भाई मेरे शेयर भी कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, तभी मजा आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो देखो ये पूरी दुनिया लगभग लगभग यूरोप एशिया अफ्रीका को ये जोड़ ले रहा है, तो ये पूरा सिल्क रूट ये डेवलप करने का प्लान बना रहा है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चिंता दो देशों ने जताई है, एक यूएसए ने जताई है और एक आपका इंडिया ने जताई हुई है। क्योंकि इंडिया इसलिए भी क्योंकि चाइना ने क्या किया, देखो यहां से निकल करके और ये इंडिया होते हुए ये पाकिस्तान चला गया है और पाकिस्तान में इसने सीपीईसी बना दिया है, सीपीईसी बनाया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो इसी सिल्क रूट का यानी कि इसी बीआरआई का पार्ट है। तो पूरी दुनिया में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जबरदस्त तरीके से पैसा लगा रहा है और 60% लोग इसमें जुड़ चुके हैं, 60% देश इसमें क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो दो तरीके से ये चीजें चल रही हैं, क्लियर एवरीवन, दो तरीके से ये चीजें इसने जोड़ रखी हुई हैं, यानी समुद्री मार्ग से भी अटैच करें, देखो समुद्र से भी अटैच किया हुआ है इसने। तो इस बार जो इसने प्लान बनाया है वो दो तरीके का बनाया है कि एक तो वाटर रूट होगा और एक लैंड रूट होगा, दो तरह के रूट इसने बना रखे हैं और इन दोनों को न्यू सिल्क रूट में डेवलप किया जाएगा, न्यू सिल्क रूट में डेवलप किया जाएगा। और अब जो इसका नाम होगा वो बीआरआई होगा, क्या होगा इसका नाम, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ठीक है, बेल्ट रूट इनिशिएटिव इसका नया नाम हो जाएगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस रहा जिससे कि आपने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा मीनाक्षी कह रही सर आप भी लाइक कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं भी लाइक कर देता हूं। और निधि निधि वेरी गुड मॉर्निंग भाई, सेशन 8 बजे शुरू हो जाता है, सब लोग सुबह 8 बजे जल्दी जुड़ जाया करो। जितनी डिटेल में डिस्कशन बता रहा हूं ये क्वेश्चन सारे एग्जाम से रिलेटेड है, आएंगे जरूर, बस साथ में जुड़े रहिए, करते रहिए। और कल से शाम को 5 बजे 6 महीने का करंट अफेयर आप लोगों को कराऊंगा, कल से शाम को 5 बजे 6 महीने का करंट अफेयर मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं जबरदस्त तरीके से, ठीक है भाई। चलो भाई जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो अभी हाल ही में मुस्लिमों के किस पवित्र तीर्थ स्थल को यात्रा के लिए पुनः खोल दिया गया है, रिसेंटली विच हॉली पिलग्रिम साइट ऑफ मुस्लिम्स हैज बीन रीओपन फॉर ट्रेवल, पुनः खोल दिया गया है, बताओ भाई जल्दी से बताओ, मक्का को, मदीना को, अल अक्सा को या नन ऑफ दीज। देखिए मुस्लिमों के तीन पवित्र स्थान है, मक्का मदीना और अल अक्सा, ठीक है, मक्का मदीना और अल अक्सा, ये तीन पवित्र स्थान है। आपको बता दूं मैं कि मक्का जो है वो आपका सऊदी अरब में है, मदीना भी सऊदी अरब में है और अल अक्सा की मस्जिद की अगर बात करें तो ये करंट टाइम में इसराइल में है। कहां पर है? इसराइल में है, जेरूसलम में। कहां पर? जेरूसलम में ये है साइट। तो आप ध्यान रखिएगा कि मुस्लिमों के तीन पवित्र स्थान है विश्व लेवल पे, मक्का मदीना और अल अक्सा। अल अक्सा मस्जिद की अगर बात करें, मोहम्मद साहब अपनी मृत्यु से 3 महीने पहले अल अक्सा मस्जिद में रुके थे। कहां पर रुके थे? अल अक्सा मस्जिद में मृत्यु से 3 महीने पहले रुके थे। तो आपको बताना अभी मुस्लिमों के तीर्थ यात्रा के लिए ये क्यों खोल दिया गया है, कौन सा स्थान खोल दिया गया, मक्का मदीना अल अक्सा कौन सा खोला गया है। तो बिल्कुल सही आप सबके आंसर जबरदस्त आ रहे हैं, बिल्कुल 100% सही आंसर है, मक्का जो है, मक्का को फिर से खोल दिया है। अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है, बहुत आप हो सकते हैं ये क्वेश्चन आपसे ना पूछे कि कौन सा स्थान खोला गया है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में पूछेगा उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूं कि मक्का जो है ये सऊदी अरब का एक स्टेट है, मक्का, कौन सा है, मक्का, ये एक स्टेट है, उसकी कैपिटल है। जैसे हमारे यहाँ यूपी की कैपिटल लखनऊ है, एमपी की कैपिटल भोपाल है, उसी तरह सऊदी अरब का एक स्टेट है मक्का, उसकी जो कैपिटल है वो मक्का है। और एक चीज याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा पोर्ट इसके पास है वो जद्दा है, कौन सा है, जद्दा पोर्ट है। ये भी ध्यान रखिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मक्का का सबसे नजदीकी पोर्ट कौन सा है, तो यहां पर एयरपोर्ट भी है और पोर्ट भी है, ध्यान रखिएगा एयरपोर्ट भी है और पोर्ट भी है। तो जद्दा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जद्दा आपको अगर मक्का जाना है तो जद्दा की एयरलाइंस पकड़ना पड़ेगा। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखा रहा हूं, मैप हमेशा दिमाग में होना चाहिए, आपके क्वेश्चंस लाइफ में क्लियर रहेंगे। तो सऊदी अरब ये देखिए ये है, और सऊदी अरब के पास ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये इसराइल का एरिया, ये इसराइल का एरिया, यहां पर जेरूसलम पड़ता है और जेरूसलम में ही अल अक्सा मस्जिद है, कौन सी मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद है। ये जद्दा देखो, जद्दा पोर्ट है, जद्दा में ही आपका क्या नाम है, आपका शिप वाला पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है, दोनों ही है। और मक्का देखिए इसी के पास में है, अगर आपको मक्का की यात्रा करनी है तो जद्दा होके ही यात्रा आप करेंगे। तो यहाँ पर मक्का है, मक्का के थोड़ा ऊपर यहीं पोर्ट के पास में मदीना पड़ जाता है, मदीना पड़ जाता है, और इसके ऊपर जो ये एरिया है यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद पड़ जाती है। तो जेरूसलम का नाम आया तो जेरूसलम के बारे में मैं आपको बता दूं, यहीं पर चर्च ऑफ नेटिविटी है, क्या है भाई, चर्च ऑफ नेटिविटी है, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था, किसका जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था।
यहीं पर पैलेस्टाइन है जहां पर यहूदी नमाज पढ़ते हैं, यहूदी जो है जो अपनी नमाज पढ़ते हैं वो भी नमाज पढ़ते हैं यहूदी, वो यहां पर जेरूसलम में ही है, और यहीं पर अल अक्सा मस्जिद है जो मुस्लिमों का पवित्र स्थान है। तो तीन धर्मों का पवित्र स्थान है आपका जेरूसलम, जिसमें कि चर्च ऑफ नेटिविटी है क्रिश्चियनों के लिए, यहूदियों के लिए और मुस्लिमों के लिए, तीनों के लिए ही ये पवित्र स्थान है अगर हम जेरूसलम की बात करें। तो एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूं कि ये जो है आपका जद्दा जो एरिया है, ये जो मक्का का एरिया है, ये यहीं पर एक रेगिस्तान है जिसका नाम है अल नफूद रेगिस्तान। क्या नाम है? अल नफूद डिजर्ट, अल नफूद रेगिस्तान है। तो ध्यान रखिएगा जद्दा जो है वो अल नफूद रेगिस्तान के पास पड़ता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अल नफूद रेगिस्तान जो है और जो जो ये मक्का है, मक्का जो अभी ओपन किया गया वो रेड सी में है, लाल सागर पर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? रेड सी में पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो मक्का ये जो एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, इसको हेजाज एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इस पूरे एरिया को, ये जो मक्का वाला एरिया है, इसको हेजाज एरिया कहा जाता है। हेजाज, हेजाज एरिया है। तो ये हेजाज एरिया जो है वो क्या करता है कि जो अल नफूद रेगिस्तान है उसको लाल सी के द्वारा अलग करता है, लाल सी के रेड सी के द्वारा इसको अलग किया जाता है। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोल दिए। ये जो मक्का एरिया वो किसमें आता है? हेजाज एरिया में आता है, हेजाज में आता है। और अल नफूद रेगिस्तान है यहां पर। कौन सा रेगिस्तान है मेरे भाई? अल नफूद रेगिस्तान है। ध्यान रखिएगा कौन सा रेगिस्तान है बेटा? अल नफूद रेगिस्तान है यहां पर। हाँ जी, तो अल नफूद रेगिस्तान है और रेड सी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? ये लाल सागर पर स्थित है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी में। अभी हाल ही में भाई जोड़ो, इतने सारे लोग जुड़े हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो मेरे भाई, ठीक है। अभी हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश से जनमत संग्रह से माध्यम से स्वतंत्रता लेने से इनकार कर दिया है? रिसेंटली फ्रॉम विच कंट्री न्यू कैलेडोनिया रिफ्यूज टू टेक इंडिपेंडेंस थ्रू रेफरेंडम, ठीक है। रेफरेंडम के थ्रू किससे जो है बफरिंग शुरू हो गई? वेट करिए मैं बफरिंग चेक करता हूँ। चलिए बफरिंग खत्म हो गई भाई, ठीक है आ जाओ जल्दी से शुरू कर देते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश से जनमत संग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता लेने से इनकार कर दिया? ब्रिटेन से, फ्रांस से, यूएसए से या ऑस्ट्रेलिया से? न्यू कैलेडोनिया इनमें से किसी एक कंट्री का गुलाम है, वो आपको बताना है कौन है। बफरिंग बहुत हो रही है, चलो सही हो जाएगा, बफरिंग ज्यादा देर नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। बफरिंग ज्यादा नहीं देर नहीं होगी, बस आप लोग जुड़े रहो जल्दी से, बहुत तेज भागते हो आप लोग जैसे ही बफरिंग होती है। अभी हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के जनमत संग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता लेने से इनकार कर दिया है? बहुत बफरिंग हो रही है, सेशन गड़बड़ा जाएगा। चलो बताओ, ब्रिटेन से, फ्रांस से, यूएसए से कि ऑस्ट्रेलिया से? तो मैं आपको बता दूं कि ये फ्रांस का एक उपनिवेश है। किसका उपनिवेश है? कॉलोनी किसकी है? ये फ्रांस की, न्यू कैलेडोनिया जो है वो फ्रांस की उपनिवेश है। देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए न्यू कैलेडोनिया, ये न्यू कैलेडोनिया है, ठीक है। तो ये जो न्यू कैलेडोनिया आप यहां पर देख रहे हैं, जो न्यू कैलेडोनिया बना हुआ है, ये देखो ये छोटा सा जो आइलैंड आपको दिख रहा है, ये न्यू कैलेडोनिया है। ऑस्ट्रेलिया से 1210 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है भैया? ऑस्ट्रेलिया से 1210 किलोमीटर दूर है। और ये जी लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? जी लैंड का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको बता दे रहा हूं कि जी लैंड का हिस्सा है। और अभी यहां पर एक जनमत संग्रह कराया गया है कि क्या, ठीक है, जनमत संग्रह कराया गया है कि क्या आप जो है अब फ्रांस से अलग होना चाहते हैं कि नहीं अलग होना चाहते हैं। तो 53.7% लोगों ने बोला है कि हम फ्रांस से अलग नहीं होना चाहते, हम फ्रांस का ही उपनिवेश बना रहना चाहते हैं, ठीक है। 53.7% लोगों ने बोला है कि हम फ्रांस का ही उपनिवेश बना रहना चाहते हैं। और आपको हम और बता दें, आज से 170 साल पहले वोटिंग और हुई थी, दो वोटिंग हो चुकी है। 170 साल पहले जो वोटिंग हुई थी उसमें यह कहा गया था, ठीक है, 170 साल पहले जो वोटिंग हुई थी उसमें यह कहा गया था कि 56.7% लोगों ने यह कहा था कि भाई हम फ्रांस से अलग नहीं होंगे। और अभी जो 170 साल बाद वोटिंग कराई गई उसमें 53.7% लोगों ने कहा है कि हम फ्रांस से अलग नहीं होंगे। तो अब ध्यान रखिएगा कि न्यू कैलेडोनिया जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास है, जी लैंड का पार्ट है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के पास है, जी लैंड का पार्ट है
और इसने क्या किया है, इसने कहा है कि भैया हम फ्रांस से आजादी नहीं लेंगे, तो फ्रांस का ही उपनिवेश बना रहेगा ये जो एरिया मैंने आपको दिखाया है, जीलैंड का एरिया। क्लियर एवरीवन? तो जीलैंड का एरिया है न्यू कैलेडोनिया, ध्यान रखिएगा भैया सब लोग, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। जू इन्फेक्शन संक्रमण निम्नलिखित में से किस एक फसल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है? गेहूं को, शिमला मिर्च को, राइस को या वाटरमेलन को? अरे यार फिर बफरिंग हो गई, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी बफरिंग हो रही है, आप लोग जुड़े रहो बस साथ में, ठीक है। तो जू संक्रमण निम्नलिखित में से किस एक फसल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है? वीट को, कैप्सिकम को, राइस को या वाटरमेलन को? किसको नुकसान पहुंचाता है जल्दी से बताओ भाई। यार बहुत बफरिंग कर रहा है सीना। ठीक है, तो जू संक्रमण निम्नलिखित में से किस एक फसल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये राइस को जबरदस्त नुकसान को पहुंचाता है। किसको नुकसान पहुंचाता है? चावल की फसल को ये जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है, ध्यान रखिएगा, चावल की फसल को ये जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये चावल का एक इन्फेक्टेड पौधा मैंने आपको दिखाया, देखिए चावल का ये क्या है, ये इन्फेक्टेड पौधा है, ये इन्फेक्टेड पौधा है चावल का। शुभम पूछ रहे हैं अगर अलग होना चाहेंगे तो किस देश में चले जाएंगे? बेटा वो अलग होना चाहेंगे तो किस देश में नहीं जाएंगे, स्वतंत्र न्यू कैलेडोनिया नया देश बन जाएगा, स्वतंत्र न्यू कैलेडोनिया नया देश बन जाएगा तब, जैसे भारत है कि एक देश है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, वैसे वो भी एक देश बन जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, नेट का आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये बात मैं आपकी मान रहा हूं, थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम हो रही है। तो जू संक्रमण जो है ये एक तरह का जो है क्या नाम है, वायरस है जू संक्रमण, तो ये जो है वो चावल की फसल को नुकसान पहुंचाता है। किसको नुकसान पहुंचाता है मेरे भाई? चावल की फसल को ये जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है। अच्छा क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ रहा आपको, दो मिनट वेट करो भाई, दो मिनट वेट करना, कहीं जाना नहीं है आप लोग, ठीक है। रामूर्ति जी पूछ रहे हैं मक्का से मदीना तक की दूरी कितनी है? तो मक्का से जो मदीना की दूरी है भाई, मैं देख के बता दूंगा, एग्जैक्ट तो मुझे आइडिया नहीं होगा कितनी दूरी है, कुछ एरर आ रही है, दो मिनट का वेट करिए, मैं इसको सही करता हूं, बस दो मिनट का वेट करिए आप। ठीक है हेमंत जी, जय महाकाल। मेरे ख्याल से क्वेश्चन अब दिखाई पड़ने लगा है आप लोगों को, क्वेश्चन अच्छे से दिखाई पड़ रहा है आप सबको, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो जो जू है इसका पूरा नाम ये मैंने यहां पर लिख रखा है आपको, जो पीडीएफ है वो अभी मिल जाएगी थोड़ी देर बाद, ये जो पीडीएफ है पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको देखो ये क्वेश्चन है, जू संक्रमण निम्नलिखित में से किस फसल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है? तो राइस को नुकसान पहुंचाता है। किसको नुकसान पहुंचाता है? राइस को नुकसान पहुंचाता है। थोड़ा सा बेटा बीच में प्रॉब्लम हो गई नेट की, इस वजह से मैं दोबारा आपको ये रिवाइज करा दे रहा हूं। देखिए ये इन्फेक्टेड फसल है, जो फसल नुकसान पहुंच चुकी है, और बैक्टीरियल, देखो बैक्टीरियम जो है कॉल्ड जू यानी ज़ैंथोनोमस ऑरिजोब और ऑर्जे, ये जो है इसका पूरा नाम है, दिस कॉज द सेवरल बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिसीज इन राइस। पूरे विश्व में चावल की फसल सबसे ज्यादा इसी से बर्बाद होती है। किससे बर्बाद होती है? पूरे दुनिया की जो चावल की फसल है सबसे ज्यादा इसी X00 से सबसे ज्यादा चावल की फसल बर्बाद होती है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 5 अक्टूबर 2020 को निम्नलिखित में से किस क्रम की बैठक संपन्न हुई है? बताओ भाई जल्दी से आंसर देना शुरू करो। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 5 अक्टूबर 2020 को निम्नलिखित में से किस क्रम की बैठक संपन्न हुई है? 40वीं है, 41वीं है, 42वीं है या 39वीं है? ठीक है, 40th नंबर की है, 41st नंबर की है, 42nd नंबर।
ठीक है। हाँ भाई चलो बफरिंग खत्म हो गई है, ठीक है जल्दी से सेशन के साथ फिर से जुड़ जाओ सभी लोग, बफरिंग खत्म हो चुकी है भाई। ठीक है चलो भाई बफरिंग खत्म हो चुकी है, फटाफट फिर से जुड़ जाओ सारे लोग जल्दी से, तुम लोग बहुत तेजी से भाग जाते हो सब लोग। ठीक है चलो आ गया, आ गया भाई, चलो नेट सही हो गया भाई। ठीक है तो कितने कितना लोग हैं, देखो जो जीएसटी की 5 अक्टूबर को ये बैठक संपन्न हुई है 42वें नंबर की थी, इसको निर्मला सीतारमण जी ने होस्ट किया है। स्टेट जो फाइनेंस वित्त सचिव हमारे राज्य मंत्री हैं उन्होंने, यानी कि अनुराग ठाकुर ने इसको किया, और जितने स्टेट उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको हेड किया है। क्लियर एवरीवन? ठीक है चलो जल्दी से जल्दी सारे लोग फिर से जुड़ जाओ एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं वरना नेट जो है वो प्रॉब्लम करता रहेगा। ठीक है बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक का लोकार्पण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? बापू द अनफॉरगेटेबल बुक्स वाज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सोनिया गांधी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल या अमित शाह? किसने किया है भाई, अरविंद केजरीवाल या अमित शाह? बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक का लोकार्पण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? सोनिया गांधी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल या अमित शाह? तो मैं आपको बता दूं इस पुस्तक का जो उद्घाटन है वो मनीष सिसोदिया द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है इस पुस्तक का जो उद्घाटन है वो मनीष सिसोदिया के द्वारा किया गया है। ठीक है मनीष सिसोदिया के द्वारा इस पुस्तक का जो है वो उद्घाटन किया गया। ठीक है भाई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स ओन मिनी ऐप स्टोर? निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा अपना खुद का एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया गया है? पेटीएम, गूगल, अमेजॉन या माइक्रोसॉफ्ट? किसके द्वारा खुद का एक मिनी ऐप लॉन्च किया गया है यह आपको बताना है, ऐप स्टोर लॉन्च किया गया है। ठीक है तो मैं आपको बता देता हूं कि पेटीएम के द्वारा एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पेटीएम के द्वारा खुद का अपना एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया गया है। क्लियर एवरीवन? पेटीएम के द्वारा। ठीक सद्दाम कुरैशी ने बी आंसर दिया है। हाँ बिल्कुल मनीष सिसोदिया, पहले वाले क्वेश्चन का मनीष सिसोदिया बिल्कुल सही आंसर है, और आप आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है मेरे भाई निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा खुद का अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि जो मिनी ऐप स्टोर है वो पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया मेरे भाई? पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। भारतीय वायुसेना दिवस 2020 में परेड के समय निम्नलिखित में से कौन सा विमान परेड का केंद्र बिंदु होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट विल बी द सेंटर ऑफ द परेड एट द टाइम ऑफ परेड ऑन इंडियन एयरफोर्स डे? थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से क्वेश्चन आपको विजिबल नहीं हो पा रहा मेरे भाई, थोड़ा सा बस मुझे टाइम दे दो यार, क्वेश्चन अभी विजिबल हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय वायुसेना दिवस 2020 में परेड के समय निम्नलिखित में से कौन सा विमान परेड का केंद्र होगा? तो आप सभी को मालूम है, देखो बताओ मिराज, सुखोई, जैगवार या नन ऑफ दीज? मिराज, सुखोई, जैगवार या नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा जो है वो इसका केंद्र रहेगा ये आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई ठीक है कौन सा केंद्र रहेगा ये आपको बताना है, फटाफट बताओ जल्दी से मेरे भाई। तो देखो मिराज, सुखोई, मिराज हो गया, सुखोई हो गया, जैगवार हो गया, ये पहले से ही जुड़े हुए हैं। अब जो केंद्र होगा, जो इसका मुख्य केंद्र होगा वो होगा राफेल। कौन सा होगा? राफेल विमान। कौन सा विमान? राफेल विमान। आप सबको पता है राफेल विमान जो है वो इस समय इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विमान चल रहा है। ठीक है मेरे भाई तो राफेल विमान जो है वो इसका मुख्य केंद्र रहेगा। कौन सा रहेगा भाई? राफेल विमान जो है वो इसका मुख्य केंद्र रहेगा। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? नन ऑफ दीज हो जाएगा। राफेल विमान जो है इस बार भारतीय वायुसेना की परेड दिवस का मुख्य केंद्र होगा। 56 विमान आसमान में जाएंगे। कितने भैया?
56 विमान जो है वो आसमान में उड़ेंगे, जिसमें से दो राफेल होंगे, दो मिराज होंगे। इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम बनाया गया, ठीक है मेरे भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है? आप सभी को मालूम है 5 अक्टूबर जो है विश्व शिक्षक दिवस है, और 5 सितंबर इंडिया में शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के नाम से मनाया जाता है, और विश्व लेवल की बात करें तो 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व लेवल पे जो शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को विश्व लेवल का शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और इसे यूनेस्को बनाती है। कौन बनाता है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को या नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं यूनेस्को इसको मनाता है। कौन मनाता है मेरे भाई? यूनेस्को इसको मनाता है। बहुत बफरिंग हो रही है भाई मेरे, हम थोड़ा सा आपसे आप लोगों से माफी चाहेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है मेरे भाई? यूनेस्को द्वारा विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये 1994 से लगातार मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है भाई? 1994 से लगातार मनाया जा रहा है। ये जो विश्व शिक्षक दिवस है ये 1994 से लगातार मनाया जा रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? ये आपको बताना है भाई कि निम्नलिखित में से किस देश में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? यूक्रेन में, इटली में, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में? निम्नलिखित में से किस देश में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया यूक्रेन में किया गया। रूस, यूक्रेन की राजधानी है कीव। क्या राजधानी है मेरे भाई? कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव में ये कांस्य प्रतिमा लगाई गई है। कहां लगाई गई मेरे भाई? यूक्रेन की राजधानी कीव में ये कांस्य की प्रतिमा लगाई गई है। क्लियर एवरीवन? यूक्रेन की राजधानी कीव में ये कांस्य प्रतिमा लगाई गई है। भाई बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो सेशन को ज्यादा नहीं खींचा जा सकता है। मुझे लग रहा है कि फटाफट मैं इसको क्लोज करूं, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कुछ जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इसका बता देता हूं कि निम्नलिखित में से किस देश में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, ये मैं आपको बता दूं कि ये कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन कीव में किया गया। यूक्रेन की राजधानी कहां पर किया गया है? यूक्रेन की राजधानी कीव में किया गया है कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन। और यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। क्या नाम है? यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की इनका नाम है। ठीक है मेरे भाई, ठीक। और यहां की जो करेंसी है वो यूक्रेनियन है। क्या नाम है? यूक्रेनियन हेरविना। ठीक है, यूक्रेनियन हेरविना जो है यहां की जो है वो करेंसी है। बस भाई आज देखो बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो कुछ क्वेश्चन मैं कल के लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे, और कल से यानी कि कल जो दिन है बुधवार, बुधवार से शाम को 5 बजे 5 PM पर ये करंट अफेयर का सेशन मैं लेके आऊंगा, जो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आप लोगों को यहां पर प्रदर्शित करेगा। और परीक्षा में प्रश्न यहीं से आएंगे, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न जो है वो यहीं से आएंगे। तो आज थोड़ा सा नेट सही नहीं आ रहा है, नेट बिल्कुल मैं बिल्कुल सही करा लूंगा, और जल्दी से आपके साथ कल सुबह 8 बजे एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी। और इसके साथ साथ पिछले 6 महीने का करंट अफेयर हम करेंगे शाम को 5 बजे। ठीक है, प्रश्न यहीं से आएंगे, बस सब लोग साथ में जुड़े रहिएगा, आपके एग्जाम सारे कवर अप हम लोग कराएंगे। ठीक है मेरे भाई।
सितंबर इंडिया में शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के नाम से मनाया जाता है, और विश्व लेवल की बात करें तो 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये जो क्लास हमारी है प्रतीक्षा, वो रहती है सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक क्लास रहती है, और ये पिछले 6 महीने का करंट अफेयर ये मैं लेकर के आऊंगा, कल से आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, और कल से शाम को 5 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है भाई। तो बस यार आज बफरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपका बड़ा नुकसान हुआ आप लोगों का, तो ये ध्यान रखूंगा मैं, नेट का पूरा थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो और सही करा लेता हूँ। तो कल से जो है शाम को 5 बजे भी मिलेगा, सुबह 8 बजे भी मिलेंगे। तो भाई आज के सेशन में बस इतना रखेंगे, और आप सब इतनी देर जुड़े रहे बफरिंग के बावजूद, थैंक यू सो मच। तो आप सभी का स्वागत है, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप लगे रहिए, मस्त रहिए, इंजॉय करिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने टारगेट के लिए, सिलेक्शन के लिए जुनून बना के रखिए, जल्दी आपका सिलेक्शन होगा मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।